देखो, YouTube पे ग्रो करने के लिए ये तो जरूरी है कि तुम्हें क्लिकबेट करना होगा, लेकिन क्लिकबेट करना भी एक कला है। कुछ लोग क्लिकबेट करके काफी अच्छा खासा व्यूज इंक्रीज कर लेता है और कुछ लोग क्लिकबेट करके अपने रेगुलर व्यूअर को भी खो देता है, जिससे उसके चैनल पे काफी बैड इम्पेक्ट आता है और चैनल धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। तो एग्जैक्ट क्लिकबेट करना है या नहीं करना है, और अगर हाँ तो कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि मेरा क्लिकबेट सही है या नहीं, तो भाई आज का टॉपिक भी यही है, हाउ टू गेट मोर व्यूज यूजिंग क्लिकबेट। पहले ये जानो कि यूट्यूब क्लिकबेट को लेकर क्या कहता है। यूट्यूब ने साफ शब्दों में कह रखा है कि मिसलीडिंग थंबनेल यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। तो पहले ये जान लेते हैं कि मिसलीडिंग थंबनेल क्या होता है। यूट्यूब के हिसाब से अगर वीडियो का थंबनेल कुछ और हो और उस पर क्लिक करने के बाद वीडियो में कुछ और दिखे तो इसे ही कहते हैं मिसलीडिंग। जैसे अगर तुम्हारा वीडियो का टॉपिक हो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं और तुम्हारा थंबनेल पर लिखा है BGMI बैन इन इंडिया, तो ये तो 110% मिसलीडिंग है। और इससे यूट्यूब को तो छोड़ो, तुम्हारे ऑडियंस को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है और तुम्हारा ऑडियंस तुम्हारे वीडियो को रिपोर्ट कर सकता है, वीडियो को डिसलाइक कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि अगर उसने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो हो सकता है तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब भी ना कर दे। और मैं तुम्हें याद दिला दूं, यूट्यूब पे स्पैम मिसलीडिंग इस टाइप का थंबनेल अलाउ नहीं है, लेकिन तुम कुछ बातों को फॉलो करके अपने थंबनेल को ऐसे क्लिकेबल बना सकते हो जिससे ना तो यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही तुम्हारे ऑडियंस को। इसके लिए तुम्हें इन टू पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 के बिना तो तुम क्लिकबेट कर ही नहीं सकते, तो इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को। YouTube पर एक चैनल है टेक्निकल सागर, इसके इस थंबनेल को देखो। थंबनेल पर लिखा है बैन और टाइटल में लिखा है BGMI प्लेयर वॉच दिस। इसे देखकर ऐसा लगता है कि BGMI भी बैन होने वाला है या फिर हो गया है। तो जितने भी लोग BGMI खेलता है तो इस पर जरूर क्लिक करेगा, क्योंकि टेक्निकल सागर ने थंबनेल पर बैन लिखकर इसे बहुत ही ज्यादा क्लिकी बना दिया है। लेकिन जब वीडियो में जाओगे तो यहाँ कुछ और मिलेगा, लेकिन टेक्निकल सागर ने वीडियो के स्टार्ट में ही अपने टाइटल एंड थंबनेल को जस्टिफाई किया है और कहा है BGMI बैन 1,40,000 अकाउंट। अब लोग तो BGMI बैन की न्यूज जानने इस वीडियो पे आया था, लेकिन यहाँ तो अकाउंट बैन होने के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन BGMI प्लेयर के लिए अकाउंट बैन होने की इन्फॉर्मेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑडियंस ने इस वीडियो को फुल वॉच किया, क्योंकि वीडियो का कंटेंट काफी दमदार था और थंबनेल एंड टाइटल को टेक्निकल सागर ने जस्टिफाई भी किया है। इसलिए इससे ना तो यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम हुई और ना ही ऑडियंस को, क्योंकि क्लिकबेट की वजह से ही ऑडियंस को कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो तुम भी अपने थंबनेल एंड टाइटल को हमेशा जस्टिफाई करना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ऑडियंस तुम्हारे चैनल को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। और अब समझते हैं पॉइंट नंबर 1 को। जब भी तुम कोई थंबनेल को क्रिएट करो उसे क्लिकी तो बनाना ही है, पर साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि वो बिलीवेबल हो। जैसे तुम इस थंबनेल को देखो, इसमें लिखा है गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 1 डेज और इसमें लिखा है गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन 1 डेज, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और अगर ऑडियंस को थंबनेल देखकर ही ऐसा लगे कि ये फेक है तो तुम्हारे अंदर का कंटेंट कितना भी पावरफुल क्यों न हो, लोग उस पर क्लिक नहीं करेगा। तो तुम अपने थंबनेल को क्लिकी तो बनाओ बट उसे बिलीवेबल भी जरूर बनाना। कुछ टॉपिक ऐसा भी है जहां चाहकर भी तुम क्लिकबेट नहीं कर सकते और तुम्हें अपने वीडियो पर हर हाल में व्यूज चाहिए, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो और राइट में चैनल का लोगो है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही और भी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का टिप्स हमेशा मिलता रहेगा।